हाँ, मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि इस दिन मैं काफ़ी लेट उठी थी, लगभग 8:15 के आसपास, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी। सुबह मैं बार बार ऐसे नींद खुल रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा और सो लेती हूँ। तो फाइनली मैं अब उठ गई हूँ, एंड उठ करके मुझे ऐसे कुछ देर बैठना पसंद है। उठ करके सबसे पहला मेरा काम रहता है कर्टन्स को रिमूव करना। बेड के पास मेरी दो खिड़की है तो मैंने कर्टन्स रिमूव किया, और आप देख सकते हो बाहर का वेदर कितना अच्छा हो रखा है। तो यहाँ पे मैं चुपचाप कुछ देर बैठ करके बस ऐसे व्यू इन्जॉय कर रही थी। साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ कि मतलब जब आप सुबह उठो ना तो वही बेस्ट टाइम होता है। आई थिंक आप ना 5 मिनट के लिए अपने बालों को मसाज दो, स्कैल्प को मसाज दो, क्योंकि पूरे दिन ना कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं पड़ता। तो सुबह जब हम लोग उठते हैं ना तो वो थोड़ा सा ऐसा टाइम रहता है कि आप शांत रहते हो बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम आप अपने फिंगर्स से हल्का हल्का मसाज दे सकते हो स्कैल्प में। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और बैंगलोर के क्या ही कहने, हेयर फॉल तो भाई यहाँ पे भर भर के होता है। फिर मसाज करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने बाल को टाई कर लिया, और एक्स्ट्रा कुछ जो हेयर्स निकले थे उसे भी मैंने रिमूव कर लिया। उठने के बाद जो मैं दूसरा काम करती हूँ सबसे पहले, वो मैं अपना बेड ठीक करती हूँ, क्योंकि उससे ना ऐसा लगता है कि माइंड ऐसे एकदम से खुल गया है, एंड प्रोडक्टिविटी आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका बेड मेसी रहेगा ना तो हमेशा आपको ऐसे सोने का मन करेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना बेड ठीक किया, चादर जो मैं ओढ़ रही थी उसे मैंने फोल्ड करके रख दिया। देख सकते हो मिकी माउस प्रिंट का, मुझे काफ़ी पसंद है कार्टून प्रिंट्स के ऐसे बेडशीट्स। फिर यहाँ पे आज मैं बिना ब्रश किए हुए सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो झाड़ू दे देते हैं, क्योंकि मुझे आज काफ़ी काम था ऑफिस का। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे घर को क्लीन करा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज सुबह सुबह मतलब वेदर तो अच्छा है बट कल से उतना अच्छा नहीं है। कल का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि सुबह के टाइम में लगभग बारिश हुई थी, एंड सुबह में तो वॉक करके मज़ा ही आ गया था। बट अभी मैं वॉक के लिए नहीं जाऊँगी, काफ़ी धूप है तो घर पे ही कुछ कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो, हाँ तो आज मैं वॉक पे नहीं जाने वाली हूँ, आज मैं रूम पे ही एक्सरसाइज करूँगी। फिलहाल घर का काम तो हो गया, बर्तन हो गया है, झाड़ू वगैरह हो गया है, तो अभी मैं ब्रश कर लेती हूँ पहले, फिर एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे मैं सुबह में आराम से गाना लगा करके ब्रश कर रही हूँ, और ऑफिशियली इट्स अ डे 2 ऑफ व्लॉग। तो ठीक है, आई डोंट नो मतलब कैसे लोग जल्दी जल्दी अपना कर लेते हैं, बिकॉज आज की वीडियो 10 मिनट की होने वाली है, बट फिर भी मैंने पूरा डे ऐसे रिकॉर्ड नहीं करा, जितना हो पाया मैंने किया। तो ब्रश करने के बाद जैसे कि मैंने बोला था, मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी की मूवमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे डेस्क जॉब जिनके रहते हैं या फिर घर के भी जो काम करते हैं, तो उन सभी के लिए कभी भी खुद के लिए टाइम नहीं हो पाता है। तो कुछ टाइम खुद के लिए निकालो, ज़्यादा नहीं निकालो बट 10 मिनट भी निकालो सफिशियंट है।
बर्तन धोना मेरा रह गया था तो मैं यहाँ पे वही वॉश कर रही हूँ। वैसे आज के दिन ज़्यादा बर्तन था तो नहीं, थोड़ा बहुत था जो मैंने रात को यूज़ करा था, तो वही मैं उसे यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। मेरा मन था यहाँ पे डोसा बनाने का, इसलिए मैंने रात को चावल और उड़द दाल फूलने को दे दिया था। और देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से फूल गया। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसे फ्रिज में रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा। फिर यहाँ पे मैंने इसे एक साथ ही पीस लिया है, एंड पीसने के बाद देख सकते हो ब्लेंड इसका काफ़ी अच्छा आया है, मतलब स्मूथ रखने काफ़ी अच्छे से बना बाकी। यहाँ पे देख सकते हो कि कितना फाइन पेस्ट है, इससे डोसा काफ़ी अच्छा बनता है। और इससे हम सिर्फ डोसा नहीं बना सकते, पुद्दू भी बना सकते, इडली भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने अलग अलग दिन में कभी पुद्दू बनाया, कभी डोसा बनाया, कभी इडली बनाया। एंड इससे ना टाइम टू टाइम बीच बीच में ना फेंट भी लेना, थोड़ा सा सोडा और नमक दे करके मैंने इसे रख दिया था। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए, और नहा के आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूजा किया, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे हर दिन तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैक्स टू मैक्स डेज मैं कर लूँ, तो यहाँ पे बस मैं वही कर दिया। अब व्लॉग्स में मेरा स्किन केयर नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे पता नहीं मेरी एक दो फुटेज मिस हो गई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइसिंग की थी जो कि मुझे क्लिप मिल नहीं रही थी, फिर मैंने टोनर लगाया, उसके बाद फिर मैंने पिलग्रिम का ब्राइटनिंग सॉल्यूशन लगाया, ये अंडर आर्म्स रोल ऑन लगाया, और यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र को स्किप करके विटामिन सी का सनस्क्रीन लगाया जो कि काफ़ी हाइड्रेटिंग है, तो चल जाता है। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे, सिर्फ सनस्क्रीन भी लगाओगे तो यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पर मैंने वही किया, एंड स्टूडियो का मैंने अपना लिप बाम यूज़ किया। फिर यहाँ पे स्किन केयर तो हो गई, बट बॉडी केयर को स्किप नहीं कर सकते, कोई भी वेदर हो अपने बॉडी को भी मॉइस्चराइज़ करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे विश केयर का AHA BHA बॉडी लोशन लिया है, इसकी कंप्लीट रिव्यू वीडियो आपको मेरी चैनल पे मे बी नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट में ज़रूर देखने को मिल जाएगी, तो कम्प्लीट रिव्यू के लिए आप उसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने विश केयर का दो बॉडी लोशन को कॉम्पेयर करा है, फिर एट लास्ट आप देख सकते हो मेरा स्किन विदाउट एनी फिल्टर। इस टाइम तक मुझे काफ़ी भूख लग गई थी, तो मैंने चाय बनाया और साथ में ही मिल्क बिकीज बिस्किट खाया। वेल आप मुझे बताना, आपको मिल्क बिकीज बिस्किट ज़्यादा पसंद है या पार्ले जी बिस्किट ज़्यादा पसंद है? यहाँ पे फिर मैं आराम से अपना चाय और बिस्किट इंजॉय कर रही हूँ, एंड चाय काफ़ी गर्म थी यहाँ पे, बट ठीक है कोई नहीं, मैं आराम से अपना इंजॉय करती हूँ। इसके बाद मुझे ऑफिस का कुछ काम था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर शाम हो गई तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था, तो वही लेने में नीचे गई थी, और ये मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था वो है, साथ में मैंने ये एक हैप्पी हैप्पी बिस्किट लेके आया क्योंकि मुझे आइसक्रीम के साथ खाना था, एंड काफ़ी टेस्टी था।